एमडी प्रशासन हाय हाय एमडी प्रशासन हाय हाय एमडी प्रशासन है एमडी प्रशासन मुर्दाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 एमडीयूवीसी है हाय 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 एमडीयूवीसी है हाय 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 एमडीयूवीसी मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 एमडीयूवीसी है हाय 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 एमडीयूवीसी है आड़े कौन है जी साहब कोई भी अधिकारी नहीं डीन कंट्रोलर वीसी रजिस्ट्रार कोई नहीं फिर हमने जान दो एक मिनट कला लिया फिर ये सह ना तो प्रशासन मुर्दाबाद 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 जोर है जोर है प्रशासन
आ जाओ सारे एक बार। भाई एक बार सारे दो मिनट चुप हो जाओ भाई। सभी साथियों को पता है कि एक हफ्ता पहले भी अपनी डिमांड ले गए यहाँ विश्वविद्यालय के इस विषय ऑफिस में आए थे, आज भी आए हैं। बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से पहले प्रोटेस्ट करा था, अब भी वैसे ही करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे भाई जिससे हमारे विश्वविद्यालय को नुकसान हो। अधिकारियों को बता देते हैं कि हमारी जो डिमांड है, सबसे पहली डिमांड है कि जो 6 महीने का सेमेस्टर था उसको 3 महीने में इस यूनिवर्सिटी ने पूरा किया है। हमारी डिमांड है कि जो परीक्षा पैटर्न है उसमें रात तीजा और बच्चों का नहीं फाइव का पैटर्न दिया था। सही डिमांड है भैया, इसका भी कारण है यहाँ पे एक मांगने नहीं आए। हरियाणा स्टेट में जो 4 स्टेट यूनिवर्सिटी है, सीबीएलयू भिवानी, सीआरएस यूजीन, गुरु चंबेश यूनिवर्सिटी सार और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटियों ने फाइव का पैटर्न। मीरपुर यूनिवर्सिटी की कल मीटिंग थी, मीटिंग में सहमति बन गई एनी फाइव के लिए और आने वाले सोमवार को लिखित में उनका नोटिस आ जाएगा एनी फाइव का पैटर्न उनको भी दे दिया। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है क्या इन यूनिवर्सिटियों से अलग है? टाइम तो सबको बराबर मिला है, 6 महीने का काम 3 महीने में पूरा सबको वैसे करा दे है। मैं बताता हूँ सिलेबस की बात, इन्होंने अपने तरीके से सिलेबस करा दिया, एक एक को दो यूनिट कराई है और बाकी जो सिलेबस बच गया बच्चों को बोल दिया प्रेजेंटेशन तैयार करो और तुम्हारा सिलेबस कवर हो गया। यही बात है भाई, कोई मतलब चीजों को ले जाए दिखे नहीं यूनिवर्सिटी। तो हमारी यही डिमांड है कि एनी फाइव का पैटर्न महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सभी बच्चों को दिया था, जायज डिमांड है भाई। सारे भाई सब बिल्कुल आराम से शांति प्रिय तरीके से बता रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इस विश्वविद्यालय विश्व ऑफिस में हम बैठा में बैठे निर्णय अधिकारियों ने, ठीक बात है भाई। हमारी दूसरी जो डिमांड थी लाइब्रेरी और लैब में अच्छी नहीं थे, अब भी नहीं है। एक हफ्ता का टाइम मांगा था रजिस्ट्रार साहब ने, लॉग लाइब्रेरी में तो 2 AC ला के भाई लैब में उतरवा गए और लाइब्रेरी में लगा दिए। इब लैब मगर नहीं बैठा हमारा दिन आई लाई थी 3 साल पहले MBA डिपार्टमेंट के SC की, इन्होंने कारण बताया था कि यूनिवर्सिटी के पास बजट नहीं है। जब VC साहब के मकान में 80 लाख रुपया काम पहला हो जाए एस्टिमेट बाद में बना है उड़े खातर को बजट आ जाए, जो बच्चे करते 45,000 रुपये फीस देते हैं MBA के, लॉ डिपार्टमेंट है UIT इतनी फीस दे कभी उनको जो मूलभूत सुविधाएं वो यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करवा रही। और जब बच्चे ये क्लास लाइन का पेपर की तैयारी करने का टाइम है बच्चे ने मजबूर करा क्या आ गए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ किसी दफ्तर में अधिकारी बैठा इस यूनिवर्सिटी को जीरो पर ले जाएंगे ना इस अधिकारियों ने। जो हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी थी MBU को देख के चलती थी और अब ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी IG की छोटी सी यूनिवर्सिटी, उनने पहले डिसीजन ले लिया और MBU में मीटिंग होने लग रही है। तो सभी विद्यार्थियों और मैं तो ये कहूंगा सभी जो एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी के इनके लिए भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में बैठा दिया जिसको यूनिवर्सिटी के हित के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रिबन कटने का मतलब है उन्होंने भाई क्वालिटी एजुकेशन में क्या चल रहा बच्चों के साथ। 6 लाख रुपया भूलोगे मेंटेनेंस है यूनिवर्सिटी की, और हमारी लाइब्रेरी हम 10 लाख 80 लाख का खोली सारी लाइब्रेरी हमें, वहां सौंदर्यकरण पर ध्यान दे रहा क्या पार्लियामेंट है यार। जब बच्चे बैठ कर पढ़े नहीं सकेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या रहा फिर कॉलेज बन जाएंगे। तो हमारी यही डिमांड है जी अधिकारियों ने बुला दो, और हमारी जो मांग है उन पर डिस्कस पहले भी हुआ था, 3 दिन का टाइम मांगा था, 1 हफ्ते में आया जी। मजबूर ना करो कि यूनिवर्सिटी का किसी तरह का नुकसान या भीड़ करे और नुकसान होगा। तो प्यार प्रेम की बात है, हमारी जो डिमांड है उनको मान लीजिए। रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोलर साहब, डीन अकेडमी का फिर कोई तो अधिकारी होगा जो बात सुनेगा। हमारे स्टूडेंट है बिल्कुल डेकोरम में रहेंगे, एक भी सा काम नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी या यस जो सिक्योरिटी का साथी हमारे। अगर गलती तो हो भी गई तो आपका ध्यान रखना किसी के साथ हाथापाई निकलनी ना उल्टा बोलना।
हमने मजबूर चुकरा से बात करने है, बात करा तो हमने कैसे बैठे तो लेना के वीसी ऑफिस से लेना है। मैं सुनते पूरे तुम सीधे पड़ जाओ, मैं खुद एक मिनट रुक जाओ। नहीं महाराज, हमारा विश्वविद्यालय जाओगे फिर धक्के मार के तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। एक चीज बता दो, हमारा नुकसान होगा जी, निकलेंगे हम नुकसान। हारे भी याद बड़े दिए और नुकसान तो मोटा होगा भाई, चलते ये मान पूरी ना हुई थे वो तो टिकट को बताओगे रीजन साहब अभी आ जाते। कितनी देर में होती एक बार बात कर लो, अगर पांच मिनट में आ गए ठीक है। पांच मिनट में कहीं गया अधिकारी वहां में बात कर, अगर पांच मिनट में ठीक सा तब तक मैं बैठा है जाकर ठीक है भाई सारे। जितने भी टीचर है स्कॉलर है उनने एक ही मैसेज किया कि ऑलमोस्ट पूरा हो गया, इतना पूरा तो कर दिया, जो पूरा करने का तरीका था वो ठीक नहीं है। तीन महीने में अगर ये सिलेबस करवा सकते हैं तो फिर छह महीने का टर्म क्यों दे रहा, क्या यूज करें? पूरा ना होया है, नहीं होया भाई किसी ने नंबर बढ़ावा है, अगर हमने पूरा सिलेबस पूरा करा दिया Thank you.
कॉन्फ्रेंस रखी हो, कोई नहीं बोल लगा एक बार भाई, सारे भाई कोई नहीं बोल लगा। सर हम एक सप्ताह पहले भी आए थे, हमारी जो मेन डिमांड थी वो आपको बता दी थी, आज भी उसी लिए आए। आपने टाइम मांगा था एक हफ्ते में भाई, कमेटी बैठा कर छात्रों के हित में फैसला लिया था। तो फैसला पूछना है सर कि एनी फाइव को लेके और जो लैबों में केमिकल नहीं था, दूसरी डिमांड वो थी, और लाइब्रेरी और लैब में एसी नहीं थी, हॉस्टल का गेट भी बंद हो गया था। जहाँ तक तुम्हारी ये जो डिमांड थी कि एनी फाइव क्वेश्चंस की, हाँ जी, वो मामला डिस्कस हुआ कमेटी में भी, उससे पहले प्रिंसिपल्स के साथ भी मीटिंग हुई। सभी प्रिंसिपल्स ने ये कहा कि सबके सिलेबाई टाइम पे चल रहे हैं और सबके सिलेबाई ख़त्म हो चुके हैं। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर ने और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स की कमेटी ने आपकी डिमांड को देखते हुए और छात्रों के हितों को देखते हुए, और ये भी देखते हुए कि अभी उतनी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये निर्णय ले लिया गया है कि जहाँ कंपलसरी क्वेश्चन होता है वहाँ कंपलसरी क्वेश्चन के अलावा एनी फोर क्वेश्चन, और जहाँ कंपलसरी नहीं होता वहाँ एनी फाइव। नहीं सर, एक बात बताना चाहते हैं, जो हरियाणा की चार यूनिवर्सिटी उन्होंने तो एनी फाइव का दिया है। एनी फाइव ही हो गया, एनी फाइव हो गया भैया। क्लियर कट बात हो बताओ, बिल्कुल पहला हित में डिसीजन हुआ है, ये एनी फाइव ही है। इसमें अगर आप दो यूनिट भी कर लेते हैं तैयार, चार यूनिट होते हैं, हाँ जी, दो यूनिट भी तैयार करते हैं तो 4.5 क्वेश्चन हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं होते। सहमति है इस चीज में सारे की, दो यूनिट में कहे हैं तो मैं कह रहा हूँ दो भी यूनिट तैयार हो जाएंगे तो वो भी 4.5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ढाई हो जाएंगे। एनी फाइव का ही पैटर्न है ये, सिर्फ जो छोटे थे स्कूल में एक बार भाई उसमें भी हो जाएंगे क्वेश्चन, ढाई यूनिट तो दो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो दो यूनिट कर ली तो 72 नंबर का पेपर होगा। सुनो भाई, जो पहले तरीका था एक यूनिट से दो क्वेश्चन करने का, वही तरीका अब है, ठीक है भाई, एक बार ताली बजा दो रजिस्ट्रार साहब। एक बार की बात सुनो, तुम्हारे एसी की बात थी सर, लॉ लाइब्रेरी, भाई एक मिनट बोल लो, मत लॉ लाइब्रेरी, एमबीए की लाइब्रेरी और यूआईटी की, भाई एक मिनट सुन लो, अरे एक बार सुन लो भाई सारे। जहाँ तक लाइब्रेरीज में एसी की बात है, वो प्रोसेस हमने शुरू कर दी, प्रोसेस की बात क्या सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तीन साल से वो फाइल चल रही है सर, गर्मी इतनी ज्यादा, फायदा क्या है, एक बच्चा मास्टर डिग्री कर रहा है, वो जो नए खरीदे जाने हैं उस पर तो टेंडर की प्रोसेस हो, हमने क्या किया है, इतने दिन से चल रही है सर वो टेंडर की प्रोसेस, क्या होता है कि जब एक टेंडर करते हैं कंपनी ने आके ऊपर दोबारा टेंडर किया जाता है। सर तीन साल से फाइल चल रही है, तीन साल बीच में तो दो साल करो, तीन साल डिपार्टमेंट में ऐसी चल रहा है भाई, बताइए सर, वहाँ बैठ, आप वहाँ जाके बैठोगे तो आपको ऐसा होगा। सुनो यार, सुनो भाई रे, बीच में एक लंबा टाइम आपका ऑनलाइन क्लासेस का चला गया, ठीक है, और उस दौरान एसी नहीं खरीदी थी, ठीक कह रहे हैं, अब वो प्रोसेस बिल्कुल एक्टिवली चल रही है। और दूसरा, जहाँ जहाँ पुराने हमारे एसी काम नहीं कर, जहाँ मतलब कहीं और जरूरत नहीं है सर, 20 लगा रहे एसी लग रहे हैं, वो चल रही है सर, एमबीए डिपार्टमेंट में जाकर देखो आप, 10 साल तो मतलब हो गए, सुन तो लो यार, जहाँ दूसरी जगह जहाँ अभी जरूरत नहीं है वो उतार के लगा रहे हैं, बिल्कुल जायज डिमांड, कोई ना जायज डिमांड नहीं, ऐसी मोबाइल के लायक नहीं, लायक नहीं लगा रहे, इसी लग रहे, हॉस्टल का गेट सर, हॉस्टल का गेट कौन खोलया, गेट का होता सर, उसमें अभी तो आज चंद्रा कमेटी डिस्कस कर रहे हैं, हॉस्टल गेट
भाई एक मिनट सुन दो ना सारे, एक बॉयज हॉस्टल का मेन गेट है, बॉयज हॉस्टल से 8 नंबर हॉस्टल 1 किलोमीटर के नजदीक पड़ता, बच्चा दुखी हो जाए गाड़ी आड़ बार खड़ी करते रहे, बाइक का तेल काट ले गाड़ी का, कितने दिन का सोने कितने दिन में किसी दिन लिया था, एक लैब में केमिकल और था जी, वो इस बाइक का टायर खोल के ले गाड़ी का वाइट और फार्मेसी किसी ने अभी भी जो भी बच्चे जिस इस तरह की दिक्कत फेस कर रहे हैं अभी बेशक मेरे पास आ जाए मैं हेड से बात करके ये लिखित में आदेश कब तक आता है जेनी भाई के जो क्वेश्चन बना दी गई परीक्षा ये कल तक आपके पास अनइवन का भी क्वेश्चन अनइवन है जी मैं लैंग्वेज के पेपर में अनइवन होता है इंग्लिश हिंदी में लैंग्वेज के पेपर में जो पार्ट्स होते हैं यस सर सर हॉस्टल का गेट कर जो बीच में मत बोला उसमें कोई भी वो पार्ट्स कर ले इतने कर ले जितने मार्क्स का पेपर अच्छा पिछली बार वाला ही है लैंग्वेज में मर्सी चांस का हो रहा सर मर्सी चांस की ओर मर्सी चांस भी करेंगे और वो अभी देखो अब ये एग्जाम तो करा ले उसके बाद देखेंगे ठीक है भाई रजिस्ट्रार साहब का